नमस्ते जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक बैंगन की मिक्स सब्जी। तो बहुत ही टेस्टी होती है। अभी का ठंडा का मौसम आ गया तो पालक बैंगन ये सभी चलेगा। तो अभी इस टाइप से ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी बनती है। जिसके लिए हमने 1 kg पालक लिया है, जिसको हमने काट के धो के अच्छे से रखा है। ये देखिए 1/2 kg आलू लिया है, 2 बैंगन लिया है, आलू को छील लिया है, जिसको कट करना है, 2 प्याज लिया है, 1 बड़ा प्याज, 1 मीडियम साइज का, इतना लहसुन है, जिसको हमको छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। ये देखिए हमने आलू और बैंगन को काट के अच्छे से धो लिया है। हमने प्याज को भी लंबे लंबे स्लाइसेस करके काट लिया है। देखिए लहसुन को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हमने कढ़ाई में 5 बड़े चम्मच तेल दिए हैं। अब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लहसुन डालेंगे। लहसुन डालिएगा आप भी, लहसुन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे जिसको तो साग डालो ना, इससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तेल गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें से धुएं आने लगा। फिर लहसुन डाल देंगे। लहसुन को 10 से 15 सेकंड तक पकाएंगे। ये देखिए 10 से 15 सेकंड करना है बस, ज़्यादा नहीं करना है। इसमें प्याज डाल देना है। प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। बीच बीच में प्याज को चलाते रहिएगा वरना प्याज जल जाएंगे। ये 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। हाई फ्लेम में पकाना है। ये देखिए प्याज हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो हम इसमें आलू और जो बैंगन मेरा कटा हुआ है वो डाल देंगे। इसे भी 5 मिनट हम हाई फ्लेम में पकाएंगे। फिर इसको चलाते रहिएगा। ये देखिए 5 मिनट हो चुका है। हम इसमें मसाले ऐड करेंगे अपने, कुछ थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये हमारे मसाले हैं, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। अब हम मसाले डाल देंगे। मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर साग डालेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं मसाले में से तेल छोड़ दिया गया है। अब हम इसमें साग डाल देंगे। ये देखिए हमने साग डाल दिया, जिसमें 1 बड़ा टमाटर ऐड करेंगे। आपको टमाटर दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने 1 बड़ा टमाटर ऐड कर रहा है, इसको काट लेना है। ये देखिए इसको डाल देंगे और अच्छे से चला के ये गैस में 10 मिनट पकाएंगे। ये देखिए इसमें हम 1 बड़ा चम्मच नमक डालेंगे। आप नमक अपना टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और 10 मिनट इसको हाई फ्लेम में पकाना है, ढकना नहीं है, ऐसे ही पकाना है। ये देखिए नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लो। तो पानी ज़्यादा छोड़ेगा। देखिए 5 मिनट हुआ है, अभी भी बहुत पानी है। जब तक पानी सोख ना ले इसमें से, तब तक हमारा सब्जी रेडी नहीं होगा। आप वीडियो पूरा देखिएगा और इस टाइप से बनाइएगा। बहुत टेस्टी सब्जी होती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत हेल्दी भी होती है। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है, अभी तक पानी नहीं सोखा है। और 5 मिनट लगेगा। जब तक पानी नहीं सोखेगा हमारी सब्जी कंप्लीट नहीं होगी। ये देखिए कितना सारा पानी छोड़ा है। ये देखिए हमारा सब्जी बन के रेडी है। इसे आप चावल, रोटी, पराठा के साथ खा सकते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। ये देखिए